तो दोस्त, आजकल काफी सारे यूजर्स इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते ही हैं, और आए दिन काफी सारे न्यू यूजर्स इंटरनेट और स्मार्टफोन की तरफ बढ़ ही रहे हैं। यानी कि इंटरनेट यूजर्स और स्मार्टफोन यूजर्स आए दिन इंक्रीज हो रहे हैं। उसी तरीके से काफी सारे स्कैमर और हैकर्स भी इंटरनेट पर बढ़ते ही जा रहे हैं, और उनका हैकिंग करने का तरीका, स्कैम करने का तरीका भी प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यानी कि अलग अलग तरीकों से हैक कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्त, अगर आप लोग इंटरनेट पर या फिर सोशल मीडिया ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, अगर आप इन सारी जगहों पर कहीं पर भी वीडियो कॉल करते हैं, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो जाने अनजाने में काफी सारे नादान यूजर्स कर दिया करते हैं। और इस छोटी सी गलती, आप इसे छोटी सी भी कह सकते हैं और बहुत बड़ी गलती भी कह सकते हैं, इस गलती की वजह से उनका इंटरनेट बैंकिंग ही नहीं बल्कि उनका पूरा जिंदगी भी बर्बाद हो सकता है। सो जितने भी ऐसे यूजर्स हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, अभी मैं आपको चार बड़ी गलतियां बताऊंगा जो आपको इन फ्यूचर कभी भी नहीं करनी है, और अगर आपने गलतियां कर रखा है तो आपको इसे सुधार लेना है अभी के अभी, और सुधारने का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस गलती की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है ना। तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। बात करते हैं मिस्टेक नंबर फर्स्ट की। देखिए, अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सारी जगहों पर वीडियो कॉल करते हैं, या फिर इन सारे सोशल मीडिया ऐप को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही वीडियो कॉल करते हैं, तो भाई आप अपने वीडियो कॉल को कभी भी रिकॉर्ड मत करना। जी हाँ, क्योंकि आप ये सोच करके उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें ये वीडियो कॉल काम आएगा, लेकिन दोस्त क्या पता आपका जो वो वीडियो कॉल है वो लीक करा दिया जाए, ठीक है ना, इंटरनेट पर वायरल हो जाए। कैसे? वो स्कैमर्स करते हैं, आप खुद नहीं करेंगे, वो स्कैमर्स हैकर्स करते हैं, और उस छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि हो सकता है आपने उस वीडियो कॉल के दौरान कुछ प्राइवेट चीजें शेयर की होंगी, ठीक है ना, या फिर कुछ प्राइवेट बातें की होंगी, तो उस सिचुएशन में आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और इतना ही नहीं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर काफी सारी ऐसी लड़कियां होती है जो आपको मैसेज करती है, ठीक है, मतलब कि आपको मैसेज करके बोलती है हाय जानू बेबी, ऐसे करके कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपका दोस्त बनना चाहती हूँ, ऐसा कुछ वो मैसेज भेजती है। तो काफी सारे ऐसे लड़के होते हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इस ट्रैप का नाम है हनी ट्रैप, ठीक है ना, इस ट्रैप में, इस जाल में फंस जाते हैं और उनसे चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, लेकिन सिर्फ चैटिंग तक कहर रुक जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट काफी सारी लड़कियां क्या करते हैं, लड़कों को अपने जाल में चैटिंग के दौरान फंसा लेते हैं और उनसे वीडियो कॉल का रिक्वेस्ट भी करते हैं। जी हाँ, कि आप हमसे वीडियो कॉल कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो काफी सारे लड़के नादान होते हैं और उस वीडियो कॉल को, या फिर काफी सारे लड़के जोश में आकर के अपना होश खो बैठते हैं और वहां पर उस वीडियो कॉल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही काफी सारे लड़के वीडियो कॉल को एक्सेप्ट करते हैं तो लड़की आपके सामने आती है। अगर सिर्फ लड़की आए आपके सामने तो ठीक है, कोई बात नहीं। उस वीडियो कॉल के दौरान काफी सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने कपड़े उतार देती हैं, हल्का फुल्का नहीं, पूरी तरह से अपना कपड़ा उतार देती है और आपके सामने नंगी होकर के वीडियो कॉल करती है। तो काफी सारे लड़के जोश में आकर के अपना होश वहीं पर खो बैठते हैं और वो भी कुछ गलत हरकतें शेयर कर देते हैं उनके साथ। तो जैसे ही आप उनके साथ कुछ गलत हरकतें शेयर करते हैं तो आपकी जो वीडियो कॉल है वो कट जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है। तुरंत आपके पास वीडियो कॉल को कट होने के बाद एक कॉल आता है, वॉइस कॉल, कि जल्दी से आप मुझे इस बैंक अकाउंट में इतना रुपया भेज दो, अदरवाइज मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा इंटरनेट पर। और यहां तक कि इतना ही नहीं, वो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं खुद YouTube का मैनेजर हूं, मैं आपकी वीडियो इंटरनेट पर YouTube पर वायरल कर दूंगा, है ना, वरना आप मुझे इतना रुपया दे दीजिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इसी बीच आपके साथ ट्रैप हो जाता है, मतलब कि आपकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, आपसे वो किसी ना किसी तरीके से रुपया ले ही लेंगे। तो भाई आप इस गलती को कभी भी मत करना वीडियो कॉल के दौरान। अगर ऐसी वैसी लड़कियों का कॉल आए आपको, जानू बेबी, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड बताए, या फिर आपके साथ कुछ गलत हरकतें करे, तो आप वहां पर कभी भी जोश में आकर के होश मत खोना। ओके दोस्त, दूसरी जो गलती है वो भी काफी सारे यूजर्स कर दिया करते हैं, न्यू मूवी डाउनलोड को लेकर के। जब भी कोई नया मूवी पब्लिश होता है तो उससे रिलेटेड काफी सारे यूजर्स इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं,
क्रिश 4, क्रिश 3, क्रिश 4 वैसे निकला भी नहीं है, लेकिन काफी सारे यूजर्स वो क्रिश 4, क्रिश 5 भी यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं या फिर क्रोम में जाकर के, गूगल में जाकर के सर्च कर रहे हैं। इवन कुछ मूवी अगर नई निकलती है, ठीक है, पब्लिश की जाती है, तो उस मूवी को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट पर काफी सारे यूजर्स सर्च करते हैं इस मूवी को डाउनलोड, यानी कि मूवी का नाम और डाउनलोड करके सर्च करते हैं। तो भाई अगर आप इस तरह की गलतियां करते हो तो मत करना, क्योंकि देखिए एक तो प्राइवेसी के लिए हर एक नई मूवी इंटरनेट पर नहीं मिलती है, आपको अलग से उसको परचेज करना होता है, यानी कि देखने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने परचेज कर लिया तो अब वो आपका मूवी हो गया, नहीं भाई, आप अगर उस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप पैसे पेड कीजिए और देख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसे फ्री में डाउनलोड करना तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी काफी सारे यूजर्स सर्च करते हैं, तो वहां पर आपको गूगल पर काफी सारे लिंक दिखाए जाते हैं कि इस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिए नई मूवी को, इस वेबसाइट के थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिए इस नई मूवी को, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो सारे के सारे साइट जो होते हैं उसमें रीडायरेक्शन लगा होता है, यानी कि एक ऐसा पेज उससे लिंक किया होता है जो हैकर्स के द्वारा, स्कैमर्स के द्वारा बिछाया गया हो, ठीक है। जैसे ही कोई भी यूजर्स उस लिंक पर क्लिक करता है न्यू मूवी को डाउनलोड करने के लिए, तो एक ऐसे पेज पर उसे रिडायरेक्ट करा दिया जाता है जो हूबहू ओरिजिनल तो लगता है लेकिन वो डुप्लीकेट होता है। और इतना ही नहीं, अगर आप उस पेज पर से उस मूवी को डाउनलोड करते हैं तो भाई आप तो ये सोच रहे हैं कि डाउनलोडिंग मेरा स्टार्ट हो चुका है, मैं मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप मूवी डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। आपके मोबाइल फोन में मूवी नहीं डाउनलोड हो रहा है, आपके मोबाइल फोन में मालवेयर, स्पाइवेयर इंस्टॉल हो रहा है, वायरस इंस्टॉल हो रहा है। जी हाँ, बाद में जब वो कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोड होना, तो आप ओपन करके देखना, या फिर आप देखे होंगे वहां पर, तो वो ओपन ही नहीं होता है। दिस फाइल इज नॉट सपोर्टेड या फिर दिस फाइल फॉर्मेट ऐसा कुछ करके आता है, मतलब आप उसे ओपन नहीं कर पाते हो और आपको लगता है कि साला इसने धोखा दे दिया। भाई धोखा छोटा मोटा धोखा नहीं दिया, वो आपको बहुत बड़ा तगड़ा धोखा दे गया। कैसे? आपने जिस फाइल को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है, वो मूवी नहीं है, वो मालवेयर है, स्पाईवेयर है, वायरस है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो आपके मोबाइल के बैकग्राउंड पे रन करता रहेगा, आपके डेटा को कंज्यूम करता रहेगा, आपका मोबाइल कुछ गलत हरकतें करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगा, आपका मोबाइल हीट करना स्टार्ट कर देगा, आपकी मोबाइल की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है, और बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ तक कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी डेटा हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आपके साथ इस तरह की मिस्टेक होती है और आप उसे सुधारना चाहते हो, यानी कि उनसे बात करके जिसका वो वेबसाइट है, तो वो आपसे ब्लैकमेल करेंगे, पैसे लेना चाहेंगे तभी आपको छोड़ेंगे। तो भाई ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो आपसे पैसे लेकर के आपको छोड़ भी दे, आपको ब्लैकमेल ना करे, या फिर आपका जो वीडियो है, प्राइवेट चीजें है, वो इंटरनेट पर शेयर ना करे, ठीक है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई इन सभी चीजों से बच के रहना। लेकिन हाँ, अगर आपने इस तरह की गलतियां कर दी है पहले से, तो भाई आपको एक बार चाहिए अपने मोबाइल को, फोन को फॉर्मेट कर देना, ठीक है, आप अपने मोबाइल फोन को फुल्ली फॉर्मेट लगा देना, तो आप हद तक, काफी हद तक सेफ और सिक्योर हो जाओगे। और हाँ, न्यू मूवी आप डाउनलोड करने की बात मत सोचो यार, आप पैसे पेड करके न्यू मूवी देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की। तो दोस्त ये जो थर्ड मिस्टेक है ना, काफी बड़ी गलती है, काफी सारे 18+ यूजर्स देखते हैं। जी हाँ, देखिए कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, जो 18+ कंटेंट यूट्यूब पर, इंटरनेट पर सर्च करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर मैं गूगल में या फिर क्रोम में जाकर के इनकॉग्निटो मोड को इनेबल कर दूं और प्लस में वीपीएन का भी यूज करूं, तो उस सिचुएशन में अगर मैं 18+ कंटेंट देखूंगा तो कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा कि मैं मोबाइल में क्या कर रहा हूं, क्या देख रहा हूं, ठीक है। लेकिन भाई यही सोचना आपका गलत है। जी हाँ, आपका ये सोचना गलत है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो न्यू रूल आई है, न्यू पॉलिसी आई है, जिस वजह से अब आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं। हाँ, भले ही आप 18+ कंटेंट इनकॉग्निटो मोड को इनेबल करके या फिर वीपीएन का भी इस्तेमाल करके देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जो भी चीजें वहां पर देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन जैसे कि वीपीएन वाले आप पर नजर रख रहे हैं कि आप क्या देख रहे हो। जी हाँ, आप क्या देख रहे हो उनको पता है, उनके पास आपका डाटा अवेलेबल रहेगा, और जब भी गवर्नमेंट उनसे मांगेगी आपका डाटा, तो वो आपका डाटा उन्हें बेफिक्र होकर के दे देंगे, लो भैया मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया इन्होंने ही किया, इन्होंने ही इस वीपीएन का इस्तेमाल करके 18+ कंटेंट को देखा है, तो वो डाटा वहां पर दे देंगे, भाई आप फंस जाओगे। जी हाँ, तो भाई अगर आप 18+ कंटेंट देखते हो तो आप मत देखना। और इतना ही नहीं, आप जब 18+ कंटेंट गूगल पर, क्रोम में जाकर के सर्च करेंगे, तो काफी सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो मुंह उठा करके आ जाती है कि भाई मुझे देख लो, मुझे देख लो, मुझे देख लो, मतलब कि मेरी वेबसाइट को विजिट करके 18+ कंटेंट देख लो।
तो भाई काफी सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जो हैकर्स के द्वारा बिछाए गए होते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले, यानी कि आपकी बैंड बच जाएगी। तो आपको ये गलती नहीं करना है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप 18 प्लस कंटेंट सर्च ही ना करें, ओके, वरना आपको आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की। देखिए नेक्स्ट जो मिस्टेक है ना वो एपीके को लेकर के है। एपीके मतलब कि व्हाट्सएप को ले लीजिए, व्हाट्सएप तो आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाता है, लेकिन उसका जो मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो ऐप आपको प्ले स्टोर में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गूगल जो है टाइम टू टाइम, सप्ताह में, महीना में, 15 दिन में स्कैन करती रहती है, ऐसे ऐसे ऐप को देखती रहती है, ढूंढती रहती है जिसमें मालवेयर हो, स्पाईवेयर हो, वायरस हो, ठीक है। तो अगर गूगल को मिलता है कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसमें कि यूजर्स को नुकसान हो सकता है उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद, या फिर यूजर की जो प्राइवेसी है उसे लीक किया जा सकता है, या फिर इंटरनेट बैंकिंग का कुछ भी ऐसा चीज़ है जो मतलब उसे निकाला जा सकता है उस एप्लीकेशन के थ्रू, तो वैसे वैसे एप्लीकेशन को गूगल क्या करती है, गूगल प्ले स्टोर से लात मार के भगा देती है। जी हाँ, टाइम टू टाइम हर एक 15 दिन में, महीने में ऐसा करती रहती है। तो ज़्यादा तो आपको प्ले स्टोर में वैसे फेक एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ आपको एप्लीकेशन मिलेंगे, क्योंकि जितना गूगल वहाँ से निकालते रहती है उतना ही आए दिन काफ़ी सारे एप्लीकेशंस वहाँ पर पब्लिश होते रहते हैं गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी हद तक आप सिक्योर हैं, ठीक है। लेकिन गूगल प्ले स्टोर में भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन मिलती हैं जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। और जब वो गूगल की नज़र में आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो गूगल खुद ही उसे हटा देगी, या फिर काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो हमेशा टाइम टू टाइम स्कैन करती रहती हैं, ढूंढते रहती हैं एप्लीकेशन जो फेक होते हैं, उसे लात मार करके प्ले स्टोर से निकाल देती है। लेकिन काफ़ी सारे यूजर्स गलतियाँ क्या करते हैं, सो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको प्ले स्टोर पर सही तरीके से एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ और सिक्योर नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे यूजर्स दूसरे वेबसाइट पर जैसे कि क्रोम में जाकर के, गूगल में जाकर के सर्च करते हैं, मुझे ये एपीके चाहिए, यह एपीके चाहिए, क्रैक वर्जन चाहिए, ठीक है। तो वहां पर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, और उस एप्लीकेशन में मैं जानता हूं कि आपको फीचर्स काफ़ी सारे मिलते हैं, लेकिन क्या पता है आपको आपने जो एप्लीकेशन जिस वेबसाइट से इंस्टॉल किया है वो वेबसाइट सही में सेफ था या फिर अनसेफ, अनसिक्योर था, आपको नहीं पता। लेकिन आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जिस वेबसाइट से, उस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल तो कर लिया, ये तो आपको पता है, लेकिन क्या आपने साथ साथ कुछ और चीज़ें इंस्टॉल कर ली अपने मोबाइल फ़ोन में, जैसे कि मालवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, और भी न जाने काफ़ी सारे तरीके होते हैं, तो क्या आपने इंस्टॉल किया? आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद भाई, जब किसी भी इंसान का जो माइंड होता है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो गलत हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, उसी तरीके से अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई ऐसा स्पाईवेयर, मालवेयर या फिर की लॉगर वगैरह इंस्टॉल हो जाए तो आपका मोबाइल गलत हरकतें करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आपका मोबाइल ओवर हीटिंग होना स्टार्ट करेगा, आपका मोबाइल जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा, आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में हमेशा कुछ मालवेयर, स्पाईवेयर रन करते रहेंगे, आप जो भी एक्टिविटी करोगे उस पर नज़र रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आप इंटरनेट बैंकिंग में भी कुछ करते हो, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, तो उसे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ तक कि आप जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वीडियो कॉल करोगे उसे भी रिकॉर्ड करके दूसरे सर्वर पर, दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जा ससकता है, ठीक है। तो आप अगर एपीके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ना करें, मेरा अगर आप सजेशन माने तो, क्योंकि प्ले स्टोर पर भी आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिल जाती है जो आपके लिए ही बनी है, ठीक है, आपके लिए वहाँ पर पब्लिश की गई है, तो आप उसे ही इस्तेमाल करो। हाँ, मैं मानता हूँ वहाँ पर कुछ कम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई सेफ रहोगे आप, ओके। अगर आप दूसरी जगह से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो क्या पता वो एप्लीकेशन कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। हाँ, अगर आप इंस्टॉल ही करना चाहते हो या फिर यूज ही करना चाहते हो तो आप एक ऐसे मोबाइल का इस्तेमाल करो जिसमें किसी भी प्रकार का आपका इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, और आपका जो मोबाइल नंबर है उस किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक भी नहीं है, मतलब कि वो खोला है एक तरह का आपका मोबाइल फोन, उसमें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि आप कीजिए, लेकिन आपकी मर्जी यार, मेरा तो सजेशन मानोगे तो आप सेफ रहोगे। अब देखिए, मैं ये जो चार गलतियाँ बताया हूँ, इन चारों गलतियों को या फिर इन चारों में से किसी एक गलती को भी अगर आप करते हो तो उस सिचुएशन में आपका डाटा लीक होगा, आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाएगा, और जब आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाएगा तो आपकी सारी एक्टिविटी पर नज़र रखी जाएगी, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, आप अभी कहाँ पर हो, यानी कि आपका लाइव लोकेशन भी ट्रैक किया जा सकता है, और साथ ही आपके सारे डेटा भी लॉस हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस भी खाली हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। जी हाँ,
तो आप इन चारों में से किसी भी गलती को मत करो, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है इनमें से कोई भी एक गलती, तो आप अपने मोबाइल फोन को तुरंत के तुरंत फॉर्मेट मार दो, जी हाँ फुल्ली रिसेट कर दो। उसके बाद आप जीमेल अकाउंट, जिस जीमेल अकाउंट से आपने लॉगिन कर रखा है उसी जीमेल अकाउंट से आप लॉगिन तो करो, लेकिन उसका पासवर्ड आप चेंज कर लो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लो। उसके बाद इतना ही नहीं, आप अपने जीमेल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन का भी इस्तेमाल करो, जी हाँ यानी कि इनेबल कर लीजिए टू स्टेप वेरिफिकेशन, इससे आपका जीमेल अकाउंट डबल सिक्योरिटी में बंधा रहेगा, जी हाँ। और अपने व्हाट्सएप में भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और फेसबुक में भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लीजिए, इससे आपका व्हाट्सएप फेसबुक सब कुछ सेफ और सिक्योर रहेगा, और इन सभी गलतियों को आप मत दोहराइए। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है ठोक दो और शेयर जरूर कर लेना, और साथ ही अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबा देना। तो आज बस इतना।